दीपावली के अवसर पे और महाराज फिर सट्टा खेलें, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और फिर वहां पे बैठ करके और फिर खेलें। खेल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैसा मत लगाओ भैया। आप अभी नहीं समझेंगे, पर भविष्य में कालांतर में हमारे जीते जी या हमारे जाने के बाद हमारे परिवार पर उसका दुष्प्रभाव निश्चित होगा। कोई अन्यत्र बात नहीं है, पर बालकों का थोड़ा बुद्धि विवेक से शून्य होना, नेत्रों का ना होना, हाथ या पांव का थोड़ा सा विचित्र होना जन्म के समय पर, या फिर जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाना कि भाई कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमने कितने परिवार देखे, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर एक रात्रि में ही ऐसा कुछ हुआ कि सब खत्म। जब आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं तो पंच देव रुष्ट हो जाते हैं आपसे। आज गणेश जी का मंगल दिवस है, आप सब लोगों को श्री गणपति भगवान के मंगल उत्सव की बधाई हो। हमारे यह कथा को कितनों बड़भाग है, जन्माष्टमी के समय पर प्रारंभ भाई, जन्माष्टमी को ही उत्सव चल रहा है, गणेश चतुर्थी मध्य में आई और राधाष्टमी विश्राम में आवेगी, सारी मंगल तिथि आई। तो जब व्यक्ति लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी की उपासना पंच देव करते हैं, जिसमें सूर्य भी आते हैं, गणपति भी आते हैं, देवी भी आती हैं, रुद्र भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, ये पांचों देव आपसे नाराज हो जाते हैं। और जैसे ही पंचदेव रुष्ट होते हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक व्यवहारिक सारी पीड़ाएं हमारे जीवन में एक साथ आक्रमण करती हैं। इसलिए भैया लक्ष्मी का दुरुपयोग मत करो, और सट्टा तो बिल्कुल नहीं खेलना है, लक्ष्मी को दांव पर तो कभी भी नहीं लगाना है। यदि आज तक लगाया था तो अभी कान पकड़ करके आज से ही बंद कीजिए। ये आप किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको? भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, इसलिए द्यूतम कभी नहीं करना है। और लक्ष्मी से ऐसी वस्तु कभी नहीं खरीदनी है जो दूषित हो। बहुत संभल करके जीवन जिए। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि मानव जन्म क्या है, मौका, अवसर है। हमको ठाकुर जी ने एक मौका दिया है मानव बना करके कि भाई चल अपने सबरे प्रपंचंते तू बच जा, ये 84 लाख के चक्करंते निकल ले। इसलिए भैया या मौका को गवाओ मत, सबसे पहले लक्ष्मी का व्यय बहुत सोच समझ करके कीजिए। दूसरी बात, पानम, हमारा देह देवालय है। जैसे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर है, राधा रमण मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, ये हम सब भी चलते फिरते मंदिर हैं। हम सबके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। जैसे उन मंदिरों को पवित्र रखा जाता है, ऐसे तन रूपी मंदिर को भी पवित्र रखिए। उसमें दूषित पदार्थ सेवन मत कीजिए, और विशेष रूप से मांस और मदिरा। आज तक किए थे तो ठीक है, उसका प्रायश्चित कीजिए, आज के बाद मत कीजिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, ये दूसरा स्थान है कलयुग के प्रभाव पड़ने का। पहला स्थान लक्ष्मी का दुरुपयोग, दूसरा स्थान जिह्वा पर असद वस्तुओं का सेवन, और तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। आपने अग्नि की साक्षी लेकर के किसी का वरण किया है। एक बात कहें, जप में जितनी सामर्थ्य है, यज्ञ में जितनी सामर्थ्य है, तप में जितनी सामर्थ्य है, योग में जितनी सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है एक पातिव्रत और एक पत्नी व्रत में। एक वर्ष का नियम ले लो, क्या हम जप आदि कम करेंगे, हम यज्ञ कम करेंगे, हम अनुष्ठान कम करेंगे, हम मंदिर भी कम जाएंगे, हम पाठ भी कम करेंगे, लेकिन एक वर्ष के लिए ऐसा नियम बना लो। वैसे तो जीवन को नियम होना चाहिए भैया, कितने बुरे दिन आ गए, एक वर्ष को लेना पड़ रहा हमें,
वर्ष तक करके देखो क्या पतिव्रता, पति के प्रति पूर्ण भाव, पति के अन्यत्र कोई दिख जाए, चाहे कितनों महाराज सुंदर हो, कितनों योग्य हो, कितनों गुणवान हो, वाक्य प्रति कोई भावना ऐसी नहीं, ऐसी पति पत्नी के प्रति एक वर्ष केवल इस नियम का पालन करके एक वर्ष में आप अनुभव कीजिएगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। पतिव्रता नारी और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी, अरे कहां तक कहें, इनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि अगर सूर्य को कह दें कि आज प्रकाशित मत होना तो बादल आ जाएंगे, प्रकाश नहीं होगा। जब तप नियम साधन अनुष्ठान योग बल ये सब एक तरफ और पातिव्रत और पत्नी व्रत ये एक तरफ, ये तीसरा कारण है कलयुग के प्रवेश करने का। इसलिए इस व्रत को धारण करो। क्षमा कीजिएगा, यदि पातिव्रत और पत्नी व्रत में आप श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी एकादशी भी विफल है, आपके सोमवार भी विफल हैं, आपके सारे व्रत एक प्रकार से विफल हो जाएंगे यदि इस व्रत में आप निपुण नहीं हो तो। तीसरा क्या है, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। और चौथा हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है, विवाद। हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है, अभी यहां कथा चल रही है, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अभी भगवान ना करे पीछे के दो लोग आपस में थोड़े झगड़ने लग जाएं, आप दो मिनट में वहीं पर इकट्ठे हो जाओगे, चौक बाजार में, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट पर तो छोटी छोटी गली है हमारी वृंदावन जैसी, वहां महाराज अगर बगल के घर में लड़ाई हो रही हो तो सबरे खिड़कीन से बाहर आ जाएंगे, का एरो देखो देखो देखो, और नीचे कोई कीर्तन करते हो जा रहे होगा तो नहीं देखेंगे। हमारा स्वभाव बन गया है कि हमको विवाद में रुचि आती है, और एक बात बताएं, यदि आपकी विवाद में रुचि बनती है, विवाद में रुचि का मतलब यह नहीं कि यहीं की लड़ाई झगड़ा में आनंद आ रहा है, महाराज टीवी में हूं, सीरियल में हूं, फोन में हूं और पिक्चरन में हूं, यदि ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है ना आपको तो ठाकुर जी दूर हैं आपसे अभी। हिंसा से नेक बचो, लड़ाई झगड़ा मार काट विवाद कलेश इनमें ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर इनमें किंचित भी रुचि है, जरा सी कोई बात हो जाती है, गाड़ी चला रहे हैं पीछे से रिक्शा वाले ने छुपा दिया, ओ महाराज निकल के गए, दे दिए वहां में दो चार धर दिए और तेरे को यूं करूंगा यूं, समझ जाइयो ठाकुर जी आते कोसों दूर हैं, ठाकुर जी मिलेंगे ही ना आए, क्यों विवादी व्यक्ति है, ठाकुर जी को तो सरल स्वभाव वालों प्रिय है। अरे कहां तक कहें, अगर बहू ने सब्जी में नेक कछु ज्यादा तेज कर दियो, नमक तेज कर दियो या मिर्च कम कर दियो, महाराज बरस पड़ी वापे, समझ रही हो सासू मां कितनी माला जप रही हो, ठाकुर जी दूर हैं, भगवान कहेंगे तुम मानव को नहीं सह पा रहे, मुझे कहां से सहोगे, इधर देखो यहां देखो, देखो आपस में बतियान लग जाए, भैया कहां बताएं हैं, मेरी सास की बोल रहे हैं बिल्कुल, भैया माता बहनन की बात तो विचित्र ही है, हमारी बात सुनो ध्यान से, सास ननद ना लड़ा रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। एक बात लिख लीजिए, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मानव को नहीं सह पाते, मुझे कहां से सहोगे, और भगवान सहाने की सीमाएं पार कर देते हैं, मानव तो फिर भी थोड़ा आप पे रहम करेगा, पर ठाकुर जी तो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सह ही नहीं पाओगे। आज देखो बिल्कुल बादल रह गए कारे कारे, अभी तो ऐसा लग रहा हो 7-8 बज गए का, अगर मूसलाधार बारिश है जाए उठ के मत जाइयो, और जाओगे कहां, भीग जाओगे, यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है,
बढ़िया प्रेम से कथा सुनेंगे। मंदम मंदम जलधरा, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में लिखा है ये नियम। अभी इस बार पोस्ट आ रहा था सब जगह, बोले कृष्ण जन्माष्टमी पर बारिश होती ही होती है ठाकुर जी से पहले, तो निश्चित है आज हमारे पंडाल को भी ठाकुर जी ये प्रमाणित करने कि मैं आऊंगा ही, हमारे पहले से ही मौसम बना दियो ठाकुर जी। शाम घटा आ गई है, शाम घटा के रूप में ठाकुर जी पहले ही मडरा रहे हैं ऊपर, बोलो ओहो पीरे पीरे पहन के बैठे हैं सबरे, यहीं आनो आज मुझे। तो विवाद से बचिए, वैष्णव का स्वरूप है वो विवाद नहीं करेगा, वो विवाद से दूर रहेगा। अगर कोई उससे भी लड़ना चाहता है ना, तो भी वैष्णव का ये स्वरूप स्वभाव होता है कि वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भैया ठीक है मेरी गलती है, मैंने कर लिया होगा, अब क्षमा करो बस करो। तो द्युतम पानम स्त्रियः सूना, ये हुए चार बात। अब पांचवी बात क्या है, देखो एक स्वरूप स्वभाव बनाओ अपना। घर में कभी कभी कलेश हो जाते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी कोई नहीं मानता, कुछ ऐसी बात होती है, तो आप प्रयास करो कि अगर सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनो। सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनकर के उसको बुझाओ, उसको शांत करो। भले ही आपकी गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांगो। कैसे ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसे भी विवाद शांत हो, चाहे हमको झुकना पड़ जाए, चाहे हमको स्वीकार करना पड़ जाए अपने अपराध, हां भाई मैंने किया ऐसा, अब लेकिन शांत हो जाओ। ऐसा स्वभाव ये वैष्णव का होता है। लेकिन सामने वाला गुस्सा करे और तुमको तू है जा तो दारी के मैं बताऊंगा, मैं तो ना बोलूंगा, तू ऐसे कह रहो मैं ऐसा करूंगा, नहीं बोल रहे चार दिन आए गए देखे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये भजनानंदी का स्वरूप नहीं है, ये भगवत भक्त का स्वरूप नहीं है। हाँ कभी जब भी प्रेम भाव में नोक झोंक है जाए, थोड़ा ना एक आनंद हो, वो अलग बात है। पर किसी से ऐसे आप रूठ करके बैठे या उदास हो गए या लड़ लिए कि महाराज अब वर्षों आए गए देखे ही नहीं रहे बाकी तरफ, ये स्वभाव वैष्णव का नहीं है। द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस चतुर्विध। और फिर पांचवा स्थान पुनः मांगने पर कलयुग को क्या दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम लोगों की प्रवृत्ति जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा, हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है बैठ के कमाने की, कुछ करना ना पड़े और यहीं बैठे बैठे मिल जाए। और आजकल ये बहुत मात्रा में बढ़ने लगा है, व्यक्ति सोचता है मैं कुछ ना करूं मुझे यहीं पे मिल जाए। अब आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैं भी सुनता हूं, जैसे कभी कोई ब्याह व्याह के लिए आते हैं तो उनका आपस में चर्चा होती है लड़का लड़की के लिए, तो कहेंगे लड़का क्या करता, बोले अरे कुछ नहीं घर बैठे बैठे कमाता है। बोले क्या कमाता है, बोले इतनी प्रॉपर्टी इतनी दुकान है, वहीं से 6-7 लाख रुपए महीना आता है, घर बैठे बैठे पैसा आता है। ये गलत है, श्रीमद् भागवत जी मना कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं भैया, मेरे काज है तुम 20 लाख कमाओ बैठे बैठे। लेकिन भागवत जी मना कर रही है कि नहीं, परिश्रम करके कमाओ, श्रम करो, श्रम करके एक एक रुपया कमाओ, तभी वह धन आपको और आपकी आगामी पीढ़ी के बुद्धि के विवेक को बरकरार रखेगा, नहीं तो वो नष्ट कर देगा। अरे लक्ष्मी मंथन से प्रकट होती है, समुद्र मंथन में 14 रत्न आए थे, उनमें से एक रत्न है लक्ष्मी, इतनी मेहनत की देवताओं ने तब जाकर के लक्ष्मी प्रकट हुई, उतनी परिश्रम से हमको प्राप्त करनी चाहिए, बिना परिश्रम के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं। तो भैया ये पांच जगह हैं, इनसे बचो। पहला लक्ष्मी का असद प्रयोग, दूसरा जिहुआ पर असद वस्तु का सेवन नहीं, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कोई दृष्टि भाव नहीं, चौथा हिंसा और कलेशों से बचना है, और पांचवा बिना मेहनत के धन नहीं कमाना है। इन पांच चीजों में आप निपुण हो गए तो यह समझ लीजिए कि कलयुग की वर्षा में आप छतरी लेकर के चल रहे हो, छींटा तो पड़ेंगे थोड़े बहुत लेकिन गीले नहीं होंगे।
ये पांच स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को प्रदान किए। फिर आगे उनको शमिक ऋषि के यहां गए तो वहां उनको श्राप लगा, ये सब हमने बात कल सुनी। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी इस बात से व्यथित नहीं हुए। बंधुओं, जीवन में जैसी परिस्थिति आवे, अब कई लोग यहां कहेंगे कि आपको क्या पता परिस्थिति कितनी हद तक बिगड़ जाती है, हमको सब पता है, दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता हैं, बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में, पर भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में ही जन्म हेरो है, कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए उन्हीं को ही छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा, और दूसरी मैया भी वास्तविक मैया आकर के चैन से मथुरा में बैठे ही थे, तो सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए तो शिशुपाल यहां पर काल्यवन ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, रण छोड़ करके भागे, द्वारिका पहुंचे, द्वारिका पहुंचने के बाद में विवाह आदि से संपन्न होकर बैठे ही थे कि महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में, प्रभु श्री राम ने तो संघर्ष ही देखा, ये संसार, ये पृथ्वी, यहां का नियम है संघर्ष सबको देखना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई नहीं आता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के देखो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, अरे वो पूर्व जन्म में करके आया है, वो पूर्व जन्म के संघर्ष का फल खा रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में आता है, 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए तो संतों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमको 1000 वर्ष हो गए, 100-100 वर्ष हो गए, 500-500 वर्ष हो गए, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे, ध्रुव जी को 5 महीना में मिल गए। तब भगवान ने बताया, बोले ध्रुव ने कितने जन्म गवा दिए तपस्या कर करके, अपने अपने शरीर का त्याग कर दिया, केवल 5 महीने का भजन रह गया था, वही पूर्ण करने वो ध्रुव बन के आया और 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। हमें हमारे जीवन में विशेष रूप की उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं वो संघर्ष से ही मिलती हैं, या तो इस जन्म में करना पड़ेगा या फिर पूर्व जन्म में करके आए होंगे, सबको करना पड़ता है, उससे कभी व्यथित मत होइए। परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए, और ये एक वैष्णव का स्वभाव है, एक भक्त का स्वभाव है, वो हर चीज में क्या देखेगा, पॉजिटिविटी, कुछ भी हो जाए, अरे पाम भी टूट गयो ना तो यहां में भी कुछ अच्छो ही भलो ही सोचेगो। जब आपके साथ घटना घटती है तब आपको लगता है हे राम हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया, पर कुछ महीने बाद कुछ वर्ष बाद लगता है अगर वो घटना ना घटी होती तो आज जो हमें मिला वो नहीं मिलता, उस घटना से ही सीखा हमने। इसलिए घटना के समय पर व्यथित मत होइए, मन में देखो, अब घटना तो कैसी भी हो सकती है, उस समय आपकी स्थिति क्या ये कौन जाने, पर उस समय मन में एक भाव रखा करो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इससे कोई भला ही सोचा होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद शायद मिलेगा, व्यथित मत हो। परीक्षित जी को मरने का जब श्राप लगा और ये बात जब उन्होंने सुनी, व्यथित नहीं हुए, उसमें सोचने लगे और सोचते सोचते अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे को कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। बोले आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। बोले ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। बोले आपको आशीर्वाद कैसे लग रहा है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, दुनिया में व्यक्ति को अगले क्षण का भी नहीं पता होता, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता, पर मेरी मृत्यु निश्चित है कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा मैं। हम और आप इस बात को नहीं कह सकते कि हम कल भी जीवित रहेंगे, कल कथा सुनेंगे,
कल 56 भोग का प्रसंग है कथा में, कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा? अच्छा, जिनने हाथ ऊपर नहीं किए नहीं आएंगे, बड़े चतुर है महाराज, ब्रजवासी हैं, इन्हें पता है मैं आगे कहां बोले व्यवहार हूं, इन्हें ये पता है कि भैया जितने ने हाथ खड़ो किया है इनको भी नहीं पता कि हम कल आ पाएंगे। मृत्यु का कोई, और जरूरी थोड़ी मृत्यु ही हो, कछु भी है सके, कोई भी कारण बन सके ना आवे को। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मैं 7 दिन बाद मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा है 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी है, इसका मतलब 7 दिन से पहले तो मुझको तक्षक, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें चलो परीक्षित, तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मेरे पास जो जीवन के 7 दिन बचे इनको अब मैं उपयोग करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके चले गए गंगा के तट पर और संतों से जाकर के पूछा कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं इन 7 दिनों का सदुपयोग करके मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं, कृपा करके मुझे बताओ। ये प्रश्न किसने किया? परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया है। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और यहां से अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। किमरिया नेशते प्रश्न क्रतो लोक हितम् आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशुयपर। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक एक विषय एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आज का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जी परीक्षित, यदि यह प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है, अगर मेरे लिए और हम सब के लिए किया है तो यह प्रश्न ठीक है, लेकिन परीक्षित यदि यह प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो यह प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले क्यों? श्राप जब मुझे लगा है 7 दिन में मरने का तो मैं अपने लिए ही पूछूंगा ना, मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये प्रसंग बहुत अद्भुत है, यहीं से ही कथा की भूमिका अद्भुत हो जाती है और तभी कृष्ण जन्म में प्रवेश होगा। परीक्षित जी कहते हैं जब मरने का श्राप मुझे लगा है तो मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं, अपने काज पूछूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम कौन हो तुम ये जानते नहीं हो अभी, और जानते हो तो शायद, हो सकता है जानते हुए भी मेरे सामने शायद ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। परीक्षित बोले आप कृपा करके सीधा समाधान बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। बोले परीक्षित, तुम वो बालक हो जिसको गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान अपनी गदा लेकर के तुम्हारी मातृ गर्भ में प्रवेश कर गए। और भागवत जी में वर्णन है, अभी तक हम भी कथा में कहते आए कि भगवान ने केवल रक्षा की और रक्षा करके बाहर आ गए, पर नहीं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है
कि जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर के जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ भगवान उत्तरा के गर्भ में ही रहे, भीतर अपना अपने गदा लेकर के अपने चक्र लेकर के भीतर ही खड़े रहे कि कोई आपदा इस पर आ ना जाए। क्यों भगवान ने तुम्हारी रक्षा क्यों की मातृ गर्भ में आकर के? स्वयं श्रीमन नारायण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अरे कितने लोग मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, कितने लोगों की अकस्मित मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बालक भी कई बार प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी सबकी रक्षा तो नहीं करते, पर परीक्षित तुम्हारी मातृ गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। और तुम आज यहां बैठ करके मुझसे कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताओ। क्या भगवान ने इसीलिए तुमको बचाया था कि तुम एक दिन छत्र सम्राट बन जाओ, एक दिन तुमको श्राप लगे और श्राप लगे तो तुम सब संतों से पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है? केवल मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा नहीं की है। मुक्ति बहुत सरल वस्तु है परीक्षित, मुक्ति बहुत सहज वस्तु है। पूतना को भी मुक्ति मिली है, कंस को भी मुक्ति मिली है, रावण को भी मुक्ति मिली है, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली है, राक्षसों को भी मुक्ति मिली है जो भगवान को 100-100 गालियां रोज देते हैं, ऐसे शिशुपाल को भी मुक्ति मिली है। वही मुक्ति की कामना तुम कर रहे हो, वो बालक कर रहा है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कल पधारे। पिताजी महाराज के गुरुदेव यानी कि मेरे दादा गुरुदेव परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक बात कहते थे, मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया। 6 महीने की आयु थी तब गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, पर उनके द्वारा कही गई वाणियां मैंने पढ़ी हैं। तो गुरुदेव एक बात कहते थे कि भाई भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। उस गर्भ में भगवान जा रहे हैं जिस गर्भ में जाने के लिए स्वयं भगवान ही शास्त्रों में मना करते हैं कि ऐसा काम करो दोबारा कभी गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा काम करो कि दोबारा कभी जन्म ना लेना पड़े, मुक्त हो जाओ तुम। जिस गर्भ में जाने के लिए स्वयं वेद ही मना करते हैं उसी गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, और एकाध दो मिनट के लिए नहीं पूरे 9 महीना रहे उत्तरा के गर्भ में। क्यों? तो पूज्य श्री रामानुज गुरु जी अपना भाव कहते हैं क्योंकि भगवान को यह बात पता थी कि यह बालक भविष्य में चलकर के भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। यह सामान्य बात नहीं है। गुरु जी क्या लिखते हैं आगे, बोले निश्चित ही अपने जीवन में जिसने एक बार भी भागवत की कथा सुनी होगी तो निश्चित है उस श्रोता ने जब अपनी मातृ गर्भ में वो विराजमान रहा होगा, ठाकुर जी मातृ गर्भ में उसकी रक्षा के लिए आए ही होंगे। क्योंकि हम सब परीक्षित हैं, हम सब कथा सुन रहे हैं, हम सब की भी ठाकुर जी ने गर्भ में निश्चित रक्षा करी होगी, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। एक प्रकार से हम आप सब लोगों को भी मुक्ति की कामना नहीं करनी, हम सब कथा सुन रहे हैं तो उसका मतलब हम सब भी परीक्षित हैं, हम सब की भी रक्षा ठाकुर जी ने करी है। परीक्षित बोले तो मुक्ति ना मांगू तो क्या मांगू? मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या मांगू फिर आप बताइए। बोले राजन देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन 7 वर्ष 7 महीने की आवश्यकता नहीं है। अरे 7 मिनट भी जरूरी नहीं है, 7 सेकंड भी जरूरी नहीं है। मुक्ति एक क्षण में मिलती है, एक क्षण में। अगर तुम्हारे प्राण निकल रहे हो और उसी समय तुम्हारी अंतिम श्वास बस निकलने वाली हो और अंतिम श्वास जैसे ही निकलने वाली है, प्राण जाने ही वाले हैं, उसी समय यदि कान में आकर के कोई कह दे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाराज वो अंतिम श्वास में सुना गया भगवान नाम, उसका प्रताप ये होगा कि जीवन में किए गए सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। कितनी सहज है मुक्ति। पर
जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये लेकिन संसार की विडंबना है। आप जीवन में कितने भी पाप कर लो, अंतिम क्षण में प्राण त्यागने से पहले अगर भगवान का नाम बोल दिया मुख से, हरि भी यदि बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, गोपाल बोल दिया, तो आपके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, वैकुंठ मिलेगा। लेकिन ये संसार का नियम है कि व्यक्ति को अंतिम समय सब याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते। अब ये तो तभी पता चले जब अंतिम समय आएगा, अभी तो पड़ी हुई बातें हैं। पर पढ़ी हुई बातें ये कोई सामान्य किताब से पढ़ी हुई बातें नहीं, शास्त्रों की बातें। अंत में भगवान नाम याद नहीं आएगा, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अपनी बिल्कुल परिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर रहा हो, मतलब कोई हादसे में नहीं, कोई बीमारी हारी से नहीं, पूरा जीवन जी करके जा रहा हो, ऐसा व्यक्ति सोचे कि हाँ भाई अब तो इतने वर्ष हो गए, अब हम प्राण त्यागेंगे तो भगवान नाम बोलेंगे मुख से, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, कंठे घुर घुरायते, अंतिम समय में उसके गले से आवाज है, गुर्र 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 आवाज होती है, भगवान नाम नहीं बोल पाता। आप कहोगे तो फिर क्या करें? अंत में भगवान की याद आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संपूर्ण जीवन भजन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। जपात से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इतना नाम जप करो कि उस नाम जप का यह प्रभाव हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 चित्त में चल ही रहा है। हमारे वृंदावन में आके देखो, मथुरा में नाम जापक होंगे खूब सारे, मुख कम दिखाई दे में, और हमारे वृंदावन में देखो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आपको नाम जापक मिलेगा ही मिलेगा। हर 5 कदम के बाद में एक नाम जापक वैष्णव आपको मिल जाएगा, नाम जप रहा है। क्यों? वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम नहीं जप रहा, वो इसलिए जप रहा है कि मैं इतना जप लूं कि मेरे रोम रोम से नाम प्रकट हो, ताकि अंतिम श्वास में चाहे कैसी स्थिति हो जाए, कहीं मेरे प्राण निकलें पर नाम मेरे मुख से निकल जाए। और वराह पुराण में एक बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता है, मुझे बहुत याद करता है, अगर अकस्मात अंतिम समय पर ऐसी स्थिति बन गई कि वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया, तो उसके संपूर्ण जीवन के स्मरण के प्रभाव से मैं उसको याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज जी आप कथा थोड़ी अब 4-4 कथा महीना में मत करे करो, थोड़ी विश्राम करे करो। मैंने कहा भैया देखो, और विशेष रूप से तो उनको ज्यादा थोड़ी नेक दिक्कत है जाए, जो हमारे संगी रहते हैं, हमारे सारे संगीतज्ञ, हमारे अभी इन सब के तो क्या ब्याह हो गए, हम तो ऐसे ही डोल रहे हैं अभी। अब ये कहें महाराज जी एक कथा के बाद 4 दिलों को समय दे दे करो, घर वाले घुसन ना दे फिर। अब हमें कि मुझे क्या पता, आपको एक्सपीरियंस है आप जानो, पर हम इतनी कथा क्यों कर रहे हैं? अभी वैसे थोड़ा मैं ज्यादा थक गया था, इस कथा के बाद 11 से हमारी मेरठ में कथा थी, हमने अभी 4 दिन पहले